हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है वो है कुछ थ्योरम्स होंगी इसकी। फिर से उसमें पहला थ्योरम है पॉइसन का समाकल सूत्र, मतलब पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला। उसका स्टेटमेंट है यदि डिस्क सी, सी जो डिस्क है उसकी वो क्या है, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू आर के अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, स्मॉल आर की जो वैल्यू स्टिग्लाइजन क्या है कैपिटल आर है, के लिए एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ जेड कैसा है, एनालाइटिक फंक्शन है। एफ जेड कैसा है, एनालाइटिक है भाई, विश्लेषिक है। इन्हें रीजन कंटेन हो रहा है जो किस में, डिस्क सी में। तो इसके अंदर अगर हम जेड नॉट कोई पॉइंट ले लें डिस्क के अंदर, तो हमारा जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है उससे एफ ऑफ जेड नॉट इजिकल टू क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड होगा। क्यों, क्योंकि वही चीज़ हमने बताया कि एफ जेड कैसा दे रखा हमें, एफ जेड एनालाइटिक है, इन्हें रीजन कंटेन जो कर रहा है डिस्क सी में। अब जेड नॉट को इसके अंदर ले दिया तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से ये वैल्यू होती है। अब तो हम काफ़ी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से क्या करें, ये डिस्क हमारा सी है, मतलब मॉड ऑफ जेड एस टी की लेस देन इक्वल टू क्या है, आर है। मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू थी वो हमें क्या दे रखी थी, लेस देन इक्वल टू आर, उसका सेंटर क्या था, 0। ये है इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन क्या था, सेंटर। अब जेड नॉट कोई क्या पॉइंट था, इसके अंदर कोई जेड नॉट पॉइंट लिया। अब देखो हमें क्या पता है कि जो वृत्त में किसी बिंदु का जो प्रतिलोम है, मतलब इनवर्स पॉइंट किसी सर्किल में, वो क्या होता है, अगर जब उसकी सर्किल की जो रेडियस, ये क्या हो गया डिस्क, एक सर्किल ही तो हो गया, इसके इंटीरियर पॉइंट भी इसमें कंटेन हो रहा है तो डिस्क हो गई। इसका जो जेड नॉट कोई सर्किल में पॉइंट है तो इसका सर्किल की रेडियस क्या है, आर है, तो इसका जो इनवर्स पॉइंट है जेड नॉट का इनवर्स वो क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार होगा। ये हमने क्लास में भी आपको डिस्कस किया था आपसे, क्या कि इनवर्स पॉइंट किसका, जेड नॉट का क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार। तो यहाँ से इसमें अगर थ्योरी में कैसे लिखोगे कि द इनवर्स, ये नहीं लिखना, ये फिगर ड्रॉ करने के बाद में क्या करोगे देखो, और वो इनवर्स पॉइंट इसके क्या होगा, आउटर साइड में होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा। तो यहां से क्या होगा, द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड नॉट विद रेस्पेक्ट टू द सर्किल, और सर्किल क्या है, मॉड ऑफ जेड इजिकल टू आर, एज क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार। अब देखो आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार, और ये किसके आउटसाइड द सर्किल है, एंड लाइज, और ये कहाँ लाई करता है, लाइज आउटसाइड द सर्किल, ये सर्किल के बाहर उपस्थित होगा। क्यों, इस जेड नॉट का सर जो वृत्त के सापेक्ष जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार, और ये कहाँ पर है, वृत्त के बाहर उपस्थित है। जब वृत्त के बाहर उपस्थित है तो हमारा जो फंक्शन है, देयरफॉर द फंक्शन क्या, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार, ये क्या होगा, एनालिटिक होगा इसके अंदर डिस्क में, एनालाइटिक होगा किसमें, एनालाइटिक विद इन एंड ऑन सी,
क्यों? क्योंकि एफ जेड तो हमारा सी के और सी अंदर और सी पर कैसा है, एनालाइटिक है। ये कैसा हमारा पॉलिनोमियल है, और ये भी कैसा हमारा एनालाइटिक फंक्शन है। लेकिन एफ जेड अपॉन जी जेड हमारा कहाँ डिफाइन है, कहाँ एनालाइटिक होगा, जहां पर ये नॉन जीरो होगा। लेकिन हमें ये पता कि ये जीरो कहाँ हो रहा है, जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार जीरो कहाँ होगा, जब जेड इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार। लेकिन ये तो वैल्यू क्या है, कहां पर जीरो हो रही है, इस पर है ना। लेकिन ये कहाँ है, आउटसाइड है सर्किल के, मतलब सर्किल के जब ये तो बाहर पॉइंट है, मतलब ये जो एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार हमारा सर्किल के अंदर और सर्किल पर क्या सा होगा, एनालाइटिक हो गया। एनालाइटिक है तो कॉची थ्योरम क्या कहती है, कि अगर कोई फंक्शन किसी सर्किल है तो क्लोज्ड कर्व हो गया ना, क्लोज्ड कंटूर हो गया, कंटूर के अंदर एक ऐसा है एनालिटिक्स है, तो उसके अंदर जो इसकी जो इंटीग्रल की जो वैल्यू वो क्या होगी, जीरो होगी। सो हेंस बाय कॉची थ्योरम में यहाँ पर ये क्या होगा, जो इसके इंटीग्रल की जो वैल्यू हो किसके, 1/2 π i इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार डी जेड की जो वैल्यू वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, ये कैसा फंक्शन एनालिटिक है, सी कैसा क्लोज कंटूर सर्किल है, तो क्लोज कंटूर हो गया इक्वेशन टू। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, एफ ऑफ जेड कौची इंटीग्रल फॉर्मूला अपॉन 2 π i इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ये था। अब यहाँ से हम क्या करें, 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जेड नॉट आएगा, और ये क्या होगा, 1/2 π i इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड, और ये क्या रहेगा, 1/z - r² अपॉन जेड नॉट बार माइनस 1/z - z0 और डी जेड। इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, 1/2 π i इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड, और यहाँ से करोगे तो क्या होगा, ये जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार इंटू जेड माइनस जेड नॉट, और यहाँ से जेड माइनस जेड नॉट माइनस जेड प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट बार डी जेड। ये क्या हो गया आपका, 1/2 π i इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड, जेड से ये जेड कैंसिल, जेड नॉट बार एलसीएम लोएंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो आर स्क्वायर माइनस जेड नॉट बार अपॉन, यहाँ से भी जेड नॉट है तो क्या हो गया, जेड जेड नॉट बार आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और जेड माइनस जेड नॉट टी जेड। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड माइन फर्स्ट माइनस सेकंड किया था, तो ये आपका कैसा रहा, यहाँ ये 1/z माइनस जेड नॉट बार लिया, तो यहाँ पर ये माइनस निकल लगा दो पहले, या यहाँ माइनस ये प्लस कर दो, तो यहाँ पर ये कुछ चेंज होगा, क्या होगा, माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार प्लस क्या होगा, प्लस जेड नॉट माइनस आर स्क्वायर जेड नॉट बार, तो ये यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये रहेगा, देखो तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 π i इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड, ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस जेड नॉट बार जेड जेड नॉट बार जेड अपॉन माइनस, यहाँ से वो प्लस करेंगे तो आर स्क्वायर जेड इंटू जेड नॉट बार जेड, और ये क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ये वैल्यू होगी। अब देखो इसमें क्या करें, अब हम इस जो वैल्यू में टेकिंग जेड इजकल टू जेड नॉट इजकल टू यहां पर ले लें आर इ की पावर आयोटा थीटा एंड
जेड इजकल टू जेड नॉट इजकल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा और जेड इजकल टू आर कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई, तब हमें क्या मिलेगा? डी जेड इजकल टू क्या होगा? आयोटा आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई होगा। तब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, देखो यहाँ पर क्या था, ये किसकी जो वैल्यू थी एफ ऑफ जेड नॉट की थी, तो एफ ऑफ जेड नॉट इजकल टू क्या होगा? जेड नॉट की वैल्यू क्या है? आर ई की पावर आयोटा थीटा इजकल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी आर स्क्वायर माइनस आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू, देखो जेड नॉट बार है तो ये आ गया, इंटू जेड नॉट क्या आर ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड नॉट बार क्या आर ई की पावर आयोटा थीटा और माइनस जेड नॉट इजगल टू का आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो जेड नॉट बार इजगल टू क्या होगा? आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू आर ई की पावर आयोटा फाई, और ये क्या होगा? आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा। एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या? एफ ऑफ जेड मतलब आर ई की पावर आयोटा फाई, और डी जेड क्या होगा? आयोटा आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई, ये वैल्यू होगी इसकी। अब यहाँ से एक देखिए क्या कि यहाँ से तो कैपिटल आर कॉमन हो गया, तो यहाँ से और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई ई की पावर आयोटा फाई डी फाई, क्योंकि यहाँ से भी एक आर कॉमन होगा तो क्या होगा? आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा फाई आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये होगा। अगर हम यहाँ से ई आयोटा फाई कॉमन ले लें यहाँ इस वाले ब्रैकेट से, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होगी? वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई अपॉन आर माइनस स्मॉल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाई होगा। पहले ब्रैकेट से दूसरे से क्या होगा? स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई रहेगा, और इंटू डी फाई, क्योंकि ई की पावर आयोटा फाई से ई की पावर आयोटा फाई कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में। अब नीचे मल्टीप्लाई करो इसका, ये किसकी वैल्यू चल रही है? एफ ऑफ स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी, राइट हैंड साइड में जो न्यूमिनेटर है वो भी हमें अपने जो फॉर्मूला प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग मिल गया। क्या करना है? नीचे सिंप्लीफाई अपॉन क्या होगा? अब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाई माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई नेगेटिव का इतना पॉजिटिव का, तो ये तो वन हो गया। तो वैल्यू क्या होगी हमारी? वन अपॉन टू पाई किसकी? एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा की इंटीग्रेशन अलोंग सी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर
ब्रैकेट ये क्या हो, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाई प्लस आर स्क्वायर, ये रहेगी वैल्यू। अब देखो ये क्या होगा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई क्या होगा, कॉस थीटा माइनस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई। इस वाले की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा माइनस फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई, तो साइन से साइन कैंसिल तो टू कॉस थीटा माइनस फाई हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू पाई एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू आर स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस फाई हो गया प्लस आर स्क्वायर। और यही क्या है हमारा, पॉइजन इवासो इंटीग्रल फॉर्मूला है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में भी यही था हमारा कि एफ जेड अगर कैसा है, एनालाइटिक है इन रीजन कंटेनिंग द डिस्क सी, देन जेड इजकल टू आर की पावर आयोटा थीटा, पर आर की जो स्मॉल आर की जो वैल्यू कैपिटल आर से कम है, मतलब इसके अंदर हो गया, फिर डिस्क के हमें मिलेगा एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होगा, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव डी फाइव। और जो हमारा जो प्रूफ था वो भी यही हो गया। इसमें हमने ये वैल्यू रखी लेने के बाद में हमारा जो इंटीग्रेशन था वो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी मोरेरा थ्योरम, मोरेरा प्रमेय। उसका जो स्टेटमेंट है ये है कि माना कि एक से संबंध प्रदेश जी में एफ जेड सतत है यदि जी में प्रत्येक सरल संवृत कंटूर सी के अनुदिश इंटीग्रेशन एफ जेड अलोंग सी एफ जेड डी जेड इजकल टू जीरो हो तो जी में एफ जेड कैसा होगा, विश्लेषिक होगा। इसको कन्वर्स ऑफ कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला भी बोलते हैं, कॉसी थ्योरम का कन्वर्स भी बोलते हैं। कॉसी थ्योरम क्या हमारा, अगर कोई कोई फंक्शन हमारा किसी क्लोज कंटूर सी में कैसा है, एनालिटिक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा हमारा, उसका जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या होगा, जीरो होगा। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि अगर इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इजकल टू जीरो तो एफ जेड कैसा होगा, एनालिटिक होगा। मतलब ये जो मोरेरा जो थ्योरम है आपकी वो कन्वर्स ऑफ कॉसी थ्योरम हो गई। कॉसी थ्योरम में कहता कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड किसी क्लोज किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में अगर कैसा है, एनालिटिक है, और सी उसके अंदर कोई क्लोज कंटूर है, तो एफ जेड इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ये है कि एफ जेड अगर कंटिन्यूस फंक्शन है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में, और अगर एफ इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या है, जीरो है, तो अलोंग एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी में इन जी, तो एफ जेड कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ये है हमारा कन्वर्स। अब हम देखो इसके लिए क्या करें, एक फिक्स पॉइंट ले लें जेड नॉट और एक वेरिएबल पॉइंट ले लें क्या, जेड, तो वहां भी हमारा फ्री फॉर्म पाथ और उससे दिखा के सेम प्रोसेस रहेगा। तो जेड नॉट और जेड क्या ले लिया, यहां से देखो जेड नॉट एक पॉइंट ले लिया हमने, इसमें जेड एक जेड नॉट कोई फिक्स पॉइंट है, जेड कोई वेरिएबल पॉइंट है जी में। सी वन और सी टू दो रेक्टिफेबल कर्व ले लिए जो जेड नॉट को जेड से ज्वाइन कराते हैं,
तो जेड, और ये किस में है, सी वन और सी टू जी में है। तो यहाँ से क्या हो गया, जेड नॉट बी ए फिक्स पॉइंट एंड जेड इज ए वेरिएबल पॉइंट इन ए जी एंड सी वन सी टू क्या है, बी एनी टू रेक्टिफेबल कर्व्स इन जी जॉइनिंग जेड नॉट टू जेड। तो अब हम अगर हम क्या करें, इस पूरे को यहाँ पर ये क्लोज कंटूर ले लें, मान लीजिए सी क्या है, सी डिनोट कर रहा है क्लोज कंटूर, कंसिस्ट कर रहा है जो जो सी वन और सी टू दोनों को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो हमारी कंडीशन ये क्या क्या कहती है, इसमें पूरे क्लोज कंटूर सी में जो सी वन और सी टू, अब देखो एक्चुअल में यहाँ से ये क्या हो गया, एक बार दोबारा से बता दें कि हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एफ जेड इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होगा सी, सी क्या होना चाहिए, क्लोज कंटूर होना चाहिए, क्लोज्ड कंटूर इन जी। अब देखो जेड नॉट हमने कोई पॉइंट यहाँ से लिया, फिक्स पॉइंट लिया था जी में, जेड कोई वेरी मूविंग पॉइंट लिया था वेरिएबल पॉइंट, और दो कर्व ले लिए जो किस में है जी में है, और ये कैसे सी में और सी टू, तो यहाँ से एक पॉइंट ये क्या हो गया, क्लोज कंटूर हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो गिविन कंडीशन है उससे क्या होगा, देन बाय गिविन कंडीशन अल सी क्या कर रहा है, सी वन सी टू दोनों को कंसिस्ट कर रहा है अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या होगा जीरो होगा। अब सी एफ जो किसको कंसिस्ट कर रहा है, सी वन और सी टू को, मतलब माइनस सी वन एफ जेड डी जेड प्लस अलॉन्ग सी टू एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या होगा जीरो। क्यों, देखो माइनस सी वन का मतलब ये, देखो ये क्लॉक वाइज है, इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर माइनस सी वन। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या हो गया जीरो, या हम ये कहें कि इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी वन एफ जेड डी जेड बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू एफ जेड डी जेड। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि जेड नॉट और जेड को जो ज्वाइन करा रहे हो इंटीग्रेशन, ये फ्री फ्रॉम क्या होगा पाथ होगा, क्योंकि ये सी वन एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू अलॉन्ग सी टू एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू के बराबर है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है जेड नॉट से जेड पर, ये क्या होगा फ्री फ्रॉम पाथ होगा। तो इसकी देखो थ्योरी किस टाइप से लिखेंगे, सी क्या किया डिनोट किया क्लोज्ड कंटूर है, कंसिस्ट करता है जो किसको सी वन और सी टू दोनों को शामिल करता है। तो हमारी जो कंडीशन क्या थी, क्लोज कंटूर में जो इंटीग्रेशन है अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड क्या होगा जीरो होगा। अब इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड हमारा क्या था, इंटीग्रेशन अलॉन्ग माइनस सी वन एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू एफ जेड डी जेड माइनस सी वन, इसलिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए, ये क्या हमारा जीरो गिवन कंडीशन से। तो सी वन इजकल टू इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी वन एफ जेड डी जेड इजकल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू एफ जेड डी जेड। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये फ्री फ्रॉम पाथ हो गया ना। तो यहाँ से क्या कहेंगे, दिस सो दैट द इंटीग्रल अलॉन्ग एवरी कर्व इन जी ज्वाइनिंग जेड नॉट टू जेड इज सेम, सेम होगा क्योंकि फ्री फ्रॉम पाथ हो गया ना। अब इसको हम क्या लिख दें, एफ जेड इजगल टू क्या लिख दें, इंटीग्रेशन अलॉन्ग जेड नॉट टू जेड, लिमिट क्या होगी जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है जेड नॉट और जेड पर डिपेंड करेगा। अब z प्लस h क्या ले लो, z का कोई नेबरहुड पॉइंट ले लो, z नॉट क्या ले लिया हम, z प्लस h क्या ले लिया, बी ए नेबर पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z। तो यहां से क्या हो गया हमारा, देखो f ऑफ z प्लस h, f ऑफ z क्या है यहां पर, देखो f ऑफ z क्या था, इंटीग्रेशन f ऑफ z इंटीग्रेशन अलॉन्ग जेड लिमिट जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड। अब जेड प्लस एच जेड का कोई नेबरहुड पॉइंट था, तो जेड प्लस एच क्या होगा इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू जेड की जगह पर क्या, जेड प्लस एच एफ ऑफ जेड डी जेड एफ ऑफ टी, क्योंकि सेम है तो एफ ऑफ टी डी टी हो गया। अब हम क्या करें, अब हम निकाल दें क्या, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच, तो ये क्या होगा वन अपॉन एच इंटीग्रेशन
जेड नॉट, टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस अलॉन्ग इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ टी डी टी। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, वन अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी। लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस जेड टू जेड नॉट एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन एच इंटीग्रेशन अलॉन्ग इंटीग्रेशन लिमिट जेड टू जेड प्लस एच हो जाएगा एफ टी डी टी। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इजकल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी। अब यहाँ पर क्या करें, वन अपॉन एच से और क्या करते हैं इसको, अब क्या कंसीडर करें, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ जेड, ये इजकल टू क्या होगा फिर, वन अपॉन इसकी जो वैल्यू क्या, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड, ये क्या होगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एच। इसकी जो वैल्यू है टोटल वो क्या होगी, इंटीग्रेशन वन अपॉन एच इंटीग्रेशन लिमिट जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस स्मॉल जेड एफ जेड। अब देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू, यहाँ पर ये करेंगे तो क्या, वन अपॉन जेड इंटीग्रेशन इसको क्या लिख सकते हैं, जेड टू जेड प्लस एच और क्या एफ टी माइनस एफ जेड डी जेड कर सकते हैं इसे डी टी कम और क्यों, क्योंकि एफ जेड ये फ्री फ्रॉम, ये तो कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन क्या हुआ, जेड डी टी एफ जेड इंटू टी और लिमिट जेड नॉट टू प्लस एच, तो ये जेड एच ही रहेगा तो ये वैल्यू, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, वन अपॉन मोड ऑफ एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ डी टी। अब देखो हमारा एफ टी कैसा है, एफ ऑफ जेड कैसा था, कंटिन्यूस था ना, तो कंटिन्यूस है तो क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड का मॉड इस टी की लेस देन एप्सिलॉन कब, व्हेन मॉड ऑफ टी माइनस जेड लेस देन डेल्टा, किसके कारण, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर टी माइनस जेड इस टी की लेस देन डेल्टा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जेड। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो ये क्या हो गया हमारा, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड का जो मॉड है वो क्या होगा, वन अपॉन मॉड ऑफ एच, ये क्या होगी इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन इंटू इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच मॉड ऑफ डी टी, ये क्या होगा सर्कुम्फ्रेंस होगा, ये आर्क लेंथ होती है ना इस कर्व की, आर्क लेंथ क्या होगी, जेड से जेड प्लस एच की मॉड ऑफ एच, तो क्या हो गया वन अप स्टी लेस देन होगा ना, ये तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन मॉड ऑफ एच इंटू एप्सिलॉन इंटू मॉड ऑफ एच आर्क लेंथ, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड का जो मॉड इलिस्टिक ले क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो ये टेंड करेगा जीरो को कब, जब हमारा डेल जो है वो टेंड कहाँ करे, ये टेंड हमारा क्या करेगा जीरो को, कब, जब एप्सिलॉन टेंड कहाँ करे जीरो को, मतलब विच टेंस टू जीरो एज एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमारा क्या चला गया कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से हमारा क्या मिला, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड इजकल टू जीरो, ये क्या होगा
एफ डैश जेड हो गया, ये तो बराबर क्या हो गया, स्मॉल एफ जेड हो गया। अब देखो कैपिटल एफ जेड क्या था हमारा, अगर वहां से देखें तो इनडेफिनिट इंटीगल था ना, इनडेफिनिट इंटीगल या एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, वो कैसा हो गया, एफ जेड का क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, मतलब एफ जेड का जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो एफ जेड कैपिटल एफ जेड कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया ना, एग्जिस्ट तो एफ जेड कैसा होगा, एनालिटिक होगा जी में। और हमें क्या पता है, क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, हमने पीछे थ्योरम प्रूव किया था लास्ट थ्योरम में कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। मतलब एफ जेड जब एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। और एफ डैश जेड किसके बराबर है, स्मॉल एफ जेड के, मतलब स्मॉल एफ जेड भी इससे क्या इंप्लाई होगा कि स्मॉल एफ जेड कैसा हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया। स्मॉल एफ जेड कैसा हो गया, एनालिटिक फंक्शन। अब ये लास्ट थ्योरम के साथ में, इस डेफिनेशन के साथ में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, वो क्या है, पूर्णांकीय अथवा सर्वत्र विश्लेषिक फलन, इंटीग्रल और इंटीग्रल फंक्शन और एंटायर, या हम ये कहें एंटायर फंक्शन क्या होता है, पूर्णांकीय फलन या सर्वत्र विश्लेषिक फलन, ये हमारी जो लिवोल्यू थ्योरम है उसमें काम आने वाला स्टेटमेंट है या डेफिनेशन, ये एंटायर फंक्शन होता क्या है वहां पर काम आता है। देखो क्या है, यदि जेड तल या सम्मिश्र तल के प्रत्येक परिमित क्षेत्र में फलन विश्लेषिक फलन हो तो इसे पूर्णांकी अथवा सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहते हैं। मतलब ए फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड एन इंटीग्रल फंक्शन और एंटायर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक इन एवरी फाइनाइट रीजन, अगर कोई भी फंक्शन किसी फाइनाइट रीजन में एनालिटिक है, हर एक फाइनाइट रीजन में कैसा है, एनालिटिक है, तो वो फंक्शन है वो कैसा होगा हमारा, एंटायर फंक्शन होगा, सर्वत्र विश्लेषिक फलन बोलेंगे उसे, या हम पूर्णांकीय फलन भी कहते हैं। तो ये था हमारा पूर्णांकीय फलन का, अब इसकी जो थ्योरम्स हैं नए वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करें।